ओम शांति। आज की तारीख है 30/11/20 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं मीठे बच्चे तन मन धन अथवा मनसा वाचा कर्मणा ऐसी सर्विस करो जो 21 जन्मों का बाप से एवजा मिले माना फल मिले, परंतु सर्विस में कभी आपस में अनबनी नहीं होनी चाहिए। प्रश्न है, ड्रामा अनुसार बाबा जो सर्विस करा रहे हैं उसमें और तीव्रता लाने की विधि क्या है? उत्तर है, आपस में एक मत हो, कभी कोई खिटखिट न हो। अगर खिटखिट होगी तो सर्विस क्या करेंगे? इसीलिए आपस में मिलकर संगठन बनाकर राय करो, एक दो के मददगार बनो। बाबा तो मददगार है ही, परंतु हिम्मते बच्चे मददे बाप, इसके अर्थ का इस अर्थ को यथार्थ समझकर बड़े कार्य में मददगार बनो। धारणा के लिए मुख्य सार के दो मधुर महावाक्य। नंबर एक है, आपस में बहुत बहुत प्यारे बनना है, लेकिन भाई बहन से योग नहीं रखना है, कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। नंबर दो, एक ईश्वरीय मत पर चलकर सतो प्रधान बनना है, माया की मत छोड़ देनी है, आपस में संगठन मजबूत करना है और एक दो के मददगार बनना है। वरदान सतगुरु बाबा का अमृत वेले का महत्व जानकर खुले भंडारे से अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि अमृत वेले वरदाता भाग्य विधाता से जो तकदीर की रेखा खिंचवाने चाहो खिंचवा लो, क्योंकि उस समय भोले भगवान के रूप में लवफुल है, इसलिए मालिक बनो और अधिकार लो। खजाने पर कोई भी ताला चाबी नहीं है, उस समय सिर्फ माया की बहानेबाजी को छोड़ एक ही संकल्प करो कि जो भी हूँ जैसी भी हूँ आपकी हूँ। मन बुद्धि बाप के हवाले कर तख्त नशीन बन जाओ तो बाप के सर्व खजाने अपने खजाने अनुभव होंगे। स्लोगन है, सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है तो सफलता भी मिक्स हो जाएगी, इसीलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे नूरे रत्न, श्याम से सुंदर बनने वाली आत्माओं प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान सिकव प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।